बीजेपी आई निजीकरण लाई। जी हाँ, सत्ता में आते ही बीजेपी का निजीकरण काल शुरू हो जाता है, फिर चाहे वो राज्य की सत्ता हो या फिर केंद्र की, क्योंकि वो मित्रों की सरकार चलाती है ना कि जनता की सरकार। इसलिए कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब बीजेपी की नई करतूत सामने ना आए। ताजा मामला उत्तर प्रदेश का है। यहाँ की योगी आदित्यनाथ की सरकार पुलिस की नौकरी आउटसोर्स करने वाली, यानी पुलिस कर्मियों की नियुक्ति सरकार नहीं करेगी बल्कि निजी कंपनियां करेंगी। सरकार बाद में इन कर्मचारियों से अपना काम कराएगी। बीजेपी के इस जन विरोधी फैसले का जब विरोध होने लगा तो यूपी पुलिस ने पलटी मार दी। यूपी पुलिस विभाग ने कहा कि ये पत्र गलती से जारी हो गया है, जिसे निरस्त कर दिया गया है। बात सिर्फ इतनी होती तो चल जाता, मगर बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है कि उस पर भरोसा करना मुश्किल है। पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक मित्रों को सौंप देने वाली बीजेपी, पेंशन खत्म करने वाली बीजेपी, सेना की पक्की नौकरी ठेके पर करने वाली बीजेपी पर आखिर भरोसा कैसे किया जा सकता है? गरीब, किसान और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले युवाओं का सपना मोदी सरकार पहले ही अग्निवीर लाकर तोड़ चुकी है। अब जो थोड़ी बहुत उम्मीद पुलिस की नौकरी से है, उसे भी आउटसोर्स करने की साजिश रच पूरे देश में इसे लागू करने की चाल चल रही है। बीजेपी को एक बात ठीक ठीक समझ लेनी चाहिए, अगर अग्निवीर की तरह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो इस बार जनता जीरो सीट पर ला देगी, राज्यों से भी विदाई कर देगी।